हर ऑर्गेनाइजेशन हर कंपनी चाहती है कि उसका सर्टिफिकेशन उसका रेपुटेशन बहुत अच्छा हो। उसी सर्टिफिकेशन उसी रेपुटेशन के लिए हर कंपनी चाहती है, हर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि उसकी कंपनी का उसके ऑर्गेनाइजेशन का ISO सर्टिफिकेशन होना चाहिए, मतलब मिल जाए। तो दोस्तों ISO सर्टिफिकेशन को लेकर 5 ऐसे महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों से साझा करने वाला हूँ। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है कि ISO सर्टिफिकेशन होता क्या है। दूसरा पॉइंट है ISO सर्टिफिकेशन का प्रोसेस क्या होता है। तीसरा पॉइंट है कि ISO सर्टिफिकेशन क्यों जरूरी है। चौथा पॉइंट है कि गवर्नमेंट को ISO सर्टिफिकेशन से क्या कनेक्शन है, क्या लेना देना है। ठीक है दोस्तों, पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ISO सर्टिफिकेशन से क्या फायदा है। ठीक है ना, ISO सर्टिफिकेशन लेने से क्या फायदा होता है, किस तरह का फायदा होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में सारी जानकारी आप लोगों को शेयर करने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ जो बेल आइकन है इसको प्रेस करके ऑन कर लीजिए ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से या हमारी तरफ से कोई भी अपडेट इस तरह का अपलोड किया जाए आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके, फिर इजीली उस चीज का लाभ उठा सको। तो दोस्तों इस दुनिया में सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है ISO सर्टिफिकेशन लेने के लिए आतुर होती है, वो चाहती है कि उसके ऑर्गेनाइजेशन का उसके कंपनी का ISO सर्टिफिकेशन हो जाए। दोस्तों इसमें बात करेंगे कि ISO सर्टिफिकेशन होती क्या है। ठीक है ना, जो पहला पॉइंट है आप लोग को थोड़ा विस्तार में जानकारी शेयर कर देता हूँ कि ISO सर्टिफिकेशन होती क्या है। ISO का फुल फॉर्म पहले शेयर कर देता हूँ, I फॉर इंटरनेशनल, S फॉर स्टैंडर्ड और O फॉर ऑर्गेनाइजेशन। पृथ्वी पर लगभग छोटे से बड़े जो कंट्रीज हैं लगभग 204 कंट्रीज हैं। ठीक है, उसमें से 162 जो कंट्रीज हैं ISO सर्टिफिकेशन, ISO का एक बॉडी है, ठीक है ना, एक कमेटी है, एक यूनियन है जो एक ISO सर्टिफिकेशन को लेकर या ISO स्टैंडर्ड को लेकर काम करती है। ये जो 162 कंट्रीज जो है ना ये गवर्नमेंट बॉडी नहीं है, जो ISO स्टैंडर्ड है ना इंडिपेंडेंट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें 162 कंट्रीज जो हैं इसमें पार्टिसिपेट करती है, इसके सर्टिफाइड मतलब मेंबर हैं और ये स्टैंडर्ड के ऊपर काम करती है, किसी प्रोडक्ट स्टैंडर्ड को लेकर, किसी सर्विस स्टैंडर्ड को लेकर। दोस्तों इस पृथ्वी पर छोटे बड़े जो देश हैं लगभग 204 देश हैं, लगभग 204 देश हैं। दोस्तों 204 देश में से 162 जो देश हैं कंट्रीज हैं जो ISO सर्टिफिकेशन या ISO का पार्ट है, ये गवर्नमेंट का बॉडी नहीं है, ये किसी गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक कंपनी है। ठीक है, ये क्या करती है कि 162 कंट्रीज को अपने बॉडीज के अंदर सम्मिलित की है, मतलब इसका पार्ट है, लोग इसके साथ चलते हैं। 162 कंट्री ऑर्गेनाइजेशन है, इसका हेडक्वार्टर जो है स्विट्जरलैंड के जेनेवा में है। और दोस्तों ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये क्वालिटी को लेकर, स्टैंडर्ड को लेकर ये काम करती है, जो दुनिया में सारी जो प्रोडक्ट्स हैं, सर्विस हैं, जो काम करने के तरीके हैं और क्या इस पे होना चाहिए, सारी चीज़ें प्रोसेसिंग का जो है क्वालिटी स्टैंडर्ड का है, चाहे जो भी तरह का सर्विस स्टैंडर्ड है वो सब चीज़ ISO सर्टिफिकेशन के अंतर्गत ही आता है। दोस्तों बता दूं आप लोगों को कि ISO सर्टिफिकेशन क्यों जरूरी है। दोस्तों हर ऑर्गेनाइजेशन चाहते हैं कि उसका रेपुटेशन बहुत अच्छा हो, उसकी प्लानिंग्स बहुत अच्छी हो, उसकी सर्विस बहुत अच्छी हो। दोस्तों उसी सर्विस को वेरीफाई कराने के लिए एक स्टैंडर्ड बनाया गया जो ISO स्टैंडर्ड कहलाता है। अब दोस्तों ISO स्टैंडर्ड अलग अलग स्टैंडर्ड में मतलब काम करती है। ठीक है, हर सेक्टर के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड है, वो आपको अगले वीडियो में शेयर कर दूंगा। ये पूरी जानकारी आप लोग को देने लगूं तो काफी वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए इससे ज्यादा जानकारी आप लोग को अगले वीडियो में दे दूंगा। दोस्तों सेकंड पॉइंट है कि इसका प्रोसेस क्या होता है ISO सर्टिफिकेशन लेने का। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सर्टिफिकेशन लेना चाहती है, अपने ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ चाहती है, तो सर्टिफिकेशन के लिए क्या करती है कि इस ऑर्गेनाइजेशन के जो भी 162 बॉडीज है किसी एक बॉडीज के पास जाकर अपना परमिशन या अपना सर्टिफिकेशन ले सकती है। वो कहीं ऑफिस में नहीं उसको जाना होगा, ठीक है, वो ऑनलाइन प्रोसेसिंग करा सकता है, प्रोसेस करा सकता है, किसी गवर्नमेंट बॉडी के पास नहीं जानी होगी। ISO स्टैंडर्ड का ऑफिस भी होता है हर कंट्रीज में, परंतु इसका ऑनलाइन प्रोसेसिंग सारा है। अब इसकी प्रोसेसिंग जो है, प्रोसेस आप अप्लाई कर दिए, एप्लीकेशन जब आप डाल दिए ISO सर्टिफिकेशन के लिए, तो क्या करती है कि ISO जो स्टैंडर्ड है, कंपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है, जिस तरह का सर्विस है, प्रोडक्ट है, उसके बारे में उसकी जो जानकारी है आपको साझा करेगी। दोस्तों बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ISO को अलग तरीके से जानते हैं, अलग तरीके से समझते हैं। ठीक है, वो जानते हैं कि ISO सर्टिफिकेशन जो है वो क्वालिटी को लेकर काम करता है, मतलब उसके प्रोडक्ट को लेकर काम करता है, प्रोडक्ट बहुत अच्छा होगा उसका, उसके प्रोडक्ट से कोई लेना देना नहीं है।
ISO स्टैंडर्ड जो कहता है उसके प्रोसेसिंग को अच्छा बनाने का तरीका देता है, ट्रेनिंग देता है, उसको सर्टिफाइड करता है केवल, ठीक है। चाहे आप कोई भी प्रोडक्ट बनाओ उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको एक स्टैंडर्ड दे देता है कि इस तरह से काम करो, इस तरह का प्रोडक्ट है आपका, क्वालिटी चेक कर देगा। बहुत सारे इसमें डिपार्टमेंट है, जब आप सर्टिफिकेशन कराते हो, जब आप एप्लीकेशन डालते हो, उसके अकॉर्डिंग वो डिपार्टमेंट चेंज करके अपना शिफ्ट कर देता है, ठीक है, कि किस डिपार्टमेंट में आपका किस तरह का प्रोसेसिंग होने वाला है, ठीक है। तो प्रोसेसिंग ऑनलाइन है दोस्तों। अब थर्ड पॉइंट की बात करेंगे कि ISO सर्टिफिकेशन क्यों जरूरी है। दोस्तों हर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि उसका रेपुटेशन बहुत अच्छा हो, उसका जो प्रोडक्ट है इंटरनेशनल मार्केट में उसका सेल्स हो, उसका बिक्री हो। तो दोस्तों अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि उसका प्रोडक्ट जो है इंटरनेशनल मार्केट में वो सेल करें, तो ISO सर्टिफिकेशन लेना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास ISO सर्टिफिकेशन हो तभी इंटरनेशनल मार्केट में मतलब आप उसको सेल कर सकते हो। और साथ ही दोस्तों इंडिया में भी, आप अगर इंडिया की बात करोगे तो इंडिया में भी अगर आपके पास ISO सर्टिफिकेशन है, आप देखते होंगे कि हर प्रोडक्ट पे ISO सर्टिफाइड कंपनी लिखा रहता है। इससे क्या होता है कि बिलीफ सिस्टम बन जाता है और आपका जो प्रोडक्ट है उसका ग्रोथ ज्यादा हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए ISO सर्टिफिकेशन जरूरी होता है। दोस्तों फोर्थ पॉइंट की बात करेंगे कि ISO सर्टिफिकेशन से गवर्नमेंट क्या क्या लेना देना है, क्या कनेक्शन है। दोस्तों इसका उत्तर है कि गवर्नमेंट का इसमें कोई लेना देना नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं होता है, परंतु गवर्नमेंट इसका डिमांड जरूर करती है, क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन को जो डेवलप किया गया है वो इंटरनेशनल लेवल का है। 162 कंट्री इसके बॉडीज हैं, मतलब 162 जो कंट्रीज हैं ना सभी बड़े हैं, ठीक है। तो ये बहुत मायने रखता है आपके प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन के लिए। तो गवर्नमेंट का इसमें कोई लेना देना नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं होता है, मगर डिमांड जरूर करता है। दोस्तों पांचवें पॉइंट की बात करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके फायदे क्या है, ISO सर्टिफिकेशन से आपके फायदे क्या है। दोस्तों आपको बता दूं कि अगर आपके पास, आपके ऑर्गेनाइजेशन के पास, आपके कंपनी के पास ISO सर्टिफिकेशन है, ISO सर्टिफाइड कंपनी है अगर, तो आपके प्रोडक्ट को इंटरनेशनल जो मार्केट है उसमें आपको सेल करने का परमिशन मिलता है, ये पहला फायदा है। इसमें से कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं आप लोग को सजा कर देता हूं कि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन का सर्टिफिकेशन है तो इसका क्या फायदा होने वाला है। सबसे जो पहला फायदा है, आपके जो प्रोडक्ट हैं उसका क्वालिटी इंप्रूव होने वाला है, ठीक है। दूसरा, जो आपके पास सर्टिफिकेशन अगर है, क्वालिटी है ना इसका स्टैंडर्ड बढ़ने वाला है, क्योंकि इस पे जो ऑर्गेनाइजेशन है ना ये ISO का, इस पे बहुत ध्यान देती है। जो ISO कंपनीज है ना ये आकर आपके कंपनीज को हर साल चेक करती है, आपके प्रोडक्ट को, आपके सर्विस को चेक करके हर साल ऑथराइज करती है, सर्टिफाइड करती है कि आपका प्रोडक्ट अच्छी है। और थर्ड पॉइंट की बात करें कि आपका जो प्रोडक्ट है ना एक अच्छे लेवल पर इसका ब्रांडिंग हो सकता है आपके सर्टिफिकेशन से। जो चौथा पॉइंट है, आपके जो प्रोडक्ट बनाते हो ना, एक कंपनी जो आप प्रोडक्ट बनाती है आपकी, वो अदर कंट्री में सस्टेन कर सकते हैं, मतलब वहां पर जा सकते हैं, बेच सकते हैं, वहां पर डिमांड हो सकते हैं, इसका फायदा है, ठीक है। पांचवा जो पॉइंट है, आपका जो बिजनेस है ना वो ग्रोथ कर सकता है, ठीक है ना, इस सर्टिफिकेशन से बिजनेस काफी ग्रोथ करता है। जो छठा पॉइंट है कि आपका जो प्रोडक्ट बनाते हो ना ये इंटरनेशनल मार्केट में आपका वैल्यूज मतलब बढ़ जाता है, ठीक है, और आपका जो स्टैंडर्ड है, प्राइस है, इंटरनेशनल मार्केट में आपका प्रोडक्ट का काफी वैल्यू बढ़ता है, वो अपने से डिमांड होने लगता है, आपको बेचना नहीं पड़ता है, भेजना नहीं पड़ता है। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन का, आपके कंपनी का ISO सर्टिफिकेशन कंप्लीट है तो आपके प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट मतलब हायर करेगा, मांगेगा, डिमांड करेगा, ठीक है, ये छठा पॉइंट है। दोस्तों सातवां जो पॉइंट है आप लोगों को भी शेयर कर देता हूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है हर कंट्रीज के लिए, हर कंपनीज के लिए, हर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो दोस्तों सातवां जो पॉइंट है, ये अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन के पास ISO सर्टिफिकेशन है और आप प्रोडक्ट बनाते हो तभी आपके ऑर्गेनाइजेशन को कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा गवर्नमेंट बॉडी से। गवर्नमेंट बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट देती है जो प्रोडक्ट बनाने होते हैं किसी भी तरह का, चाहे वो डिफेंस सिस्टम हो या फूड प्रोडक्ट हो या आपके किसी भी तरह का प्रोडक्ट हो, गवर्नमेंट बनवाती है, वो डिमांड करती है, तो आपको कॉन्ट्रैक्ट दे सकती है, देती है, ISO सर्टिफाइड कंपनी को ही देती है। सातवां पॉइंट था। आठवां पॉइंट है कि अगर आपके प्रोडक्ट को गवर्नमेंट को सेल करना चाहते हो तो आपके पास ISO सर्टिफिकेशन होने चाहिए। अगर आपके पास ISO सर्टिफिकेशन है, ISO सर्टिफाइड कंपनी है, आप प्रोडक्ट बनाते हो तभी आपको गवर्नमेंट डिमांड करेगी, आप उसको सेल कर सकते हो, ये आपको फायदा मिलने वाला है। दोस्तों एक और पॉइंट है कि अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन के पास ब्रांड है, कोई भी ब्रांड हो, किसी भी तरह का ब्रांड हो, उस ब्रांड का वैल्यू है ISO सर्टिफिकेशन से काफी बूम करता है। तो आपके ऑर्गेनाइजेशन के पास अगर सर्टिफिकेशन हो ISO का तो आप मतलब बूम कर सकते हो, मार्केट में बड़ा काम कर सकते हो, मतलब इसका ग्रोथ ज्यादा है,
आपके ब्रांड वैल्यूज का डिमांड ज्यादा हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से बहुत सारे फायदे हैं ISO सर्टिफिकेशन से। तो दोस्तों अगर आपको या आपके कंपनी को किसी भी तरह का सर्टिफिकेशन की नीड हो, सर्टिफिकेशन कराना चाहते हो, ISO सर्टिफिकेशन हो या तमाम तरह की जो सर्टिफिकेशन है अगर आप कराना चाहते हो, तो कम कॉस्ट पर और लीगल तरीके से और अच्छे ढंग से आपको सर्टिफिकेशन हमारी ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड कराती है, सर्विस स्टार्ट की है। अगर आप किसी तरह का सर्टिफिकेशन से लेकर फायदा उठाना चाहते हो तो हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। जो ऑर्गेनाइजेशन का सारी डिटेल्स है, कॉन्टेक्ट नंबर है, ईमेल आईडी है, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग वहां से जाकर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और उसका फायदा उठा सकते हैं। दोस्तों एक बार फिर से आप लोगों से निवेदन करता हूं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ जो बेल आइकन है इसको प्रेस करके ऑन कर लीजिए ताकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से या हमारी तरफ से कोई भी अपडेट अपलोड किया जाए तो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से सबसे पहले मिल सके, फिर उसका आप इजीली लाभ उठा सको। दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।